हेलो बच्चों, बोर्ड अवे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैक बोर्ड के क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए कॉपी जांच की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। तो बड़ी बड़ी अपडेट हैं, तीन बड़ी अपडेट हैं, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट अपडेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपको याद होगा कि 2022 का जो आपको मॉडल पेपर हुआ है, सभी का सॉल्यूशन और PDF भी हमने आपको दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा अपने क्लास के, ठीक है। दोनों क्लास का मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, क्लास 9 का अलग और क्लास 11 का अलग, जो कि आप लोग 10th में चले गए हैं। क्लास 9 वाले बच्चे 10th में गए और 11th वाले 12th में, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए, तीन बड़े अपडेट जो आपके आ रहे हैं, उस तीन बड़े अपडेट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन से तीन बड़े अपडेट आपके सामने आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पे तीन अपडेट हैं। चलिए सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, पहला अपडेट क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। पहला बड़ा अपडेट है, तो पहला अपडेट आप लोग के लिए ये है कि कॉपी जाँच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब आप लोग का जो भी कॉपी है उसका जाँच आप ही के जो स्कूल को अलॉट किए गए थे वही केंद्रों में ही हो रही हैं, दूसरे जगह नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर था, एग्ज़ाम का केंद्र मान सकते हैं या सेंटर मान सकते हैं, वहीं पे आपका कॉपी जांच किया जा रहा है, कोई अलग से केंद्र बनाया नहीं जा रहा है। और बहुत सारे टीचर्स, जैसे कि टीचर्स अगर कम है तो बाहर से भी टीचर्स मंगाए जा रहे हैं केंद्र में, ताकि कॉपी की जाँच की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और कॉपी जाँच की प्रक्रिया पर और क्या क्या अपडेट है, चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, 9वीं 11वीं की परीक्षा जिस केंद्र पर हुई वहीं पर कॉपियों की जांच भी होगी। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए है ना, जिला को निर्देश दे दिया गया है, ठीक है। तो जिलों को निर्देश मिल चुका है आपको कॉपी जांच करने के लिए। और यहां से अपडेट देख सकते हैं कि ज़रूरत पर दूसरे स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को भी बुलाया जाएगा। ये है, एक सप्ताह में मूल्यांकन कार्य पूरा करने का यहाँ पर जोर दिया गया है कि जिले के जैक ने है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैक ने जिले के, ध्यान से देखिएगा, मूल्यांकन कार्य एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे रिजल्ट जल्द प्रकाशित की जा सकेंगी। मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका को संबंधित प्रखंड के BRC भवन में जमा करने के लिए कहा गया है। जैक को मार्क्स फाइनल उपलब्ध कराने को कहा गया। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर क्या बोल रहा है, मैं समझ आपको बता देता हूँ कि एक वीक का टाइम दिया गया कि कॉपी जाँच कीजिए, और कॉपी जाँच होने के बाद जो भी उसका मार्क्स रहेगा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का, उसको BRC भवन जो आपके स्कूल का रहता है ना, वहाँ पर आपके एक संकुल जो होता है वहाँ पर जाके BRC भवन में जमा किया जाएगा, ऐसा आपको अपडेट यहां से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, और भी किस तरह के अपडेट है चलिए हम देख लेते हैं। दूसरा अपडेट देखिए, यहां लिख रहा है कि अंक अपलोड करने की तिथि भी यहां से आप लोग की सामने आ रही है। यहां पे देखिए, अंक अपलोड करने की तिथि भी घोषित। तो आप लोग देखिए, 9वीं का जो अंक अपलोड करने की तिथि है वो 8 से 25 है, जो कि आप लोग का जो भी कॉपी जाँच होने के बाद अंक जो अपलोड किया जाएगा वो 8 से लेकर 25 जुलाई तक टाइम दिया गया। और 11वीं परीक्षा का जो आपका अंक जब मतलब कि अपलोड किया जाएगा वो 13 से 27 जुलाई के बीच किया जाएगा। और 8वीं बोर्ड परीक्षा का अंक अपलोड 12 से 26 जुलाई के बीच किया जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी अपडेट आपके सामने थी, है ना। और याद रखिए कि आपका जो ये जो आपका हुआ है एग्ज़ाम, जो अगर अगला जो आपका होने वाला है 10th का एग्ज़ाम और 11th का एग्ज़ाम, उसकी भी विशेष तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक नीचे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाइए। 9th वाले बच्चों को 10th वाला ग्रुप में जुड़ना है और 11th वाले बच्चों को 12th वाला ग्रुप में जुड़ना है। तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा कि कैसे वहां पे जुड़ना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया है, नाम से भी सर्च कर सकते हैं कि बोर्ड आभा जैक बोर्ड और क्लास 10 और बोर्ड आभा जैक बोर्ड क्लास 12, ऐसे सर्च करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और ये देखिए, लास्ट में बता दूंगा कि कैसे जुड़ना है। और देखिए, प्रखंड स्तर पर होंगी 8वीं की कॉपियों की जाँच, देख लीजिए, है ना। और तैयारी को लेकर बैठक आज। और मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा था कि आप लोग को जो क्लास 10th का एग्ज़ाम अगले साल जो होने वाला है और 12th का आप लोग का अगले साल, वो आपको याद रखना है कि आप लोग का पिछले वाला ही मतलब कि हिसाब से होने वाला है। टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, तो दो टर्म में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो इसके भी विशेष यहाँ पर ध्यान आपको रखते हुए तैयारी करना है। और आप लोग अपना तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे, आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ से आपका जो सेशन है लेट हो चुका है, जुलाई अगस्त आ चुका है। तो आपको अगले क्लास की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और पूरा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े सर। तो देखिए, हमारे तीन टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का साइन ऐसे है। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किए, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए, ये टेलीग्राम ऐप है, इसको इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद देखिए, तीन टेलीग्राम ग्रुप है। पहला है टेलीग्राम का मेन ग्रुप जो हमारा है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, तो इसमें सभी को जुड़ना है। और क्लास जैक बोर्ड क्लास 10 टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है आपका, ये इसका नाम क्या है देख लीजिए, क्लास ये 10th का जो है उसका नाम पहले देख लीजिए, जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स। तो ये वाला मैं आपको सर्च करके जुड़ना है। क्या सर्च करना है, जैक बोर्ड
क्लास टेंथ चैंप्स जो नीचे लिखा हुआ है इसको लिख के सर्च कीजिएगा, और आप लोग क्लास टेंथ में जो गए नाइन्थ के बच्चे उसको इसमें जुड़ना है, और साथ ही साथ इसमें जुड़ना है, इसमें सभी को जुड़ना है, क्लास टेंथ वाले बच्चों को भी और ट्वेल्थ वाले बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस में मैंने जुड़ने बुलाया क्लास टेंथ वाले बच्चों को, एक ये वाला नाम सर्च कीजिएगा जैक बोर्ड क्लास टेंथ चैंप्स बोडाबा, और एक है बोडाबा जैक बोर्ड। 5000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं, और क्लास ट्वेल्थ, और यहाँ पे ट्वेल्थ वाले बच्चे जो 11th से 12th जाएंगे वो ये इसमें जुड़ जाएगा, जैक बोर्ड क्लास 12 चैंप्स, ठीक है। तो क्लास टेंथ वाले बच्चे किस में जुड़ेंगे एक बार मैं बता दूं कि इसमें जुड़ना है और इसमें जुड़ना है, ठीक है। क्लास टेंथ वाले बच्चों को ये दो ठो में जुड़ना है, दोनों में जुड़ जाइएगा आप लोग, और क्लास 11th वाले बच्चे जो 12th जाने वाले हैं वो इसमें जुड़िएगा और एक इसमें जुड़िएगा, ठीक है। नाम नीचे लिखा हुआ है, नाम लिख के सर्च मारिएगा बोडाबा जैक बोर्ड क्लास 12 चैंप्स बोडाबा, ठीक है। इस तरह से सर्च मार के आप लोग को जुड़ लेना है, और सभी वहाँ पर वीडियो लिंक PDF सॉल्यूशन सभी वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए।